नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अब आखिरी लड़ाई की तैयारी में जुट गई हैं। आखिरी लड़ाई की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि राजस्थान में परंपरा रही है कि जो सत्ता में पार्टी रहती है वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करती है। क्या इस परंपरा को तोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर इस परंपरा को तोड़ पाएगी कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्ता में काबिज है? वैसे तो परंपरा के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बननी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस परंपरा को तोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। शायद यही वजह है कि तमाम जो उनके दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान मिशन की। राजस्थान मिशन की बात करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो वहां पर सीएम पद की जो रेस में जो एक नाम हमेशा रहता है, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, उनको दरकिनार करने की चर्चा चल रही है कि बीजेपी उनको किनारे क्यों कर रही है, बीजेपी उनको सीएम फेस के चेहरे के रूप में क्यों नहीं सामने लाती है। अभी दो दिन पहले की बात है, राजस्थान के दौरे पर थे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की। ये वही मीटिंग की तस्वीरें हैं। इस मीटिंग में बाकायदा राजस्थान के तमाम जो नेता थे वो शामिल थे, अमित शाह शामिल थे और जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल थे। और राजस्थान चुनाव को लेकर यहीं से कवायद तेज हो गई कि वसुंधरा राजे को मना लिया गया है। वसुंधरा राजे जो हैं वो पार्टी के संगठन से किसी भी नेता से नाराज नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नाराजगी है कि नहीं है और राजस्थान के लिए बीजेपी ने किस तरीके का अपना प्लान तैयार किया है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश वाला जो प्लान बीजेपी का है वो राजस्थान में जारी रहेगा? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा 7 सांसदों को बीजेपी ने, जो मौजूदा सांसद हैं जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। हालांकि ये कोई पहला प्रयोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसा प्रयोग कर चुकी है, लेकिन 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना कहीं ना कहीं बीजेपी का एक नया प्रयोग है। क्या राजस्थान में भी ये प्रयोग होने वाला है? क्या राजस्थान में भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या कैलाश चौधरी हो या फिर मेघवाल साहब हो, क्या उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी मोदी सरकार? मोदी गवर्नमेंट की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव लड़ाने की तैयारी में है? तो आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, इनके चुनाव लड़ने की संभावना है और ये जोधपुर से 2 बार के लगातार सांसद रहे हैं। शेखावत का केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़ है और जोधपुर जिले की लोहावट विधानसभा से इनके चुनाव लड़ने की संभावना है, क्योंकि इनके जो प्रशंसक हैं वो चाहते हैं कि जोधपुर की लोहावट सीट से गजेंद्र शेखावत को चुनाव लड़ाया जाए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और ये चुनाव लड़ सकते हैं, इनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो अब बात करेंगे अगले मंत्री की। अगले मंत्री कौन है जिनको बीजेपी चुनाव लड़ाने जा रही है? अगले मंत्री बात करते हैं अर्जुन राम मेघवाल। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत खास हैं, बहुत करीबी हैं और ये 2 बार से लगातार बीकानेर से बीजेपी के सांसद हैं और इस समय केंद्रीय कानून मंत्री हैं। तो इनके भी चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं कि विधानसभा का चुनाव इनको बीजेपी लड़ा सकती है। बीकानेर जिले की किसी भी सीट से, विधानसभा की सीट से इनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल। और तीसरे मंत्री कौन है जिनको बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटी है? तीसरे नाम की बात कर लेते हैं। जो तीसरा नाम है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है, ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। रेल मंत्री हैं लेकिन इनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। वैष्णव को पाली या जोधपुर की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रशंसक मांग कर रहे हैं कि उनको पाली की किसी एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। तो क्या अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम जो 3 मंत्री हैं और चौथा एक और मंत्री नाम शामिल है, हम उनको भी आपको बताएंगे। एक और मंत्री हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक मंत्री हैं, इनका नाम है कैलाश चौधरी और ये राजस्थान की बाड़मेर जिले से लोकसभा के सदस्य हैं। इनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी, यानी केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान के चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई है। ये राजस्थान की जो जहां से ये बाड़मेर से सांसद हैं, वहां की किसी भी विधानसभा से इनको बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री
जिनको चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि हम सेकेंड लिस्ट जब मध्य प्रदेश चुनाव की आई उसमें हम देख चुके हैं कि तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बना दिया, जिसकी किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी। अब राजस्थान चुनाव को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो मध्य प्रदेश वाला जो प्लान है वो राजस्थान में भी वही प्लान दोहराने जा रही है। तो कुल मिलाकर अब ये तो रहेगी केंद्रीय मंत्रियों की बात, ये वो केंद्रीय मंत्री थे जिनको भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव में विधानसभा का टिकट पर चुनाव लड़ाएगी, वो विधायक बनाएगी, यानी नया प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब उन सांसदों की बात करेंगे जो राजस्थान में मौजूदा हालात में सांसद हैं, कई बार से सांसद हैं, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो पहला नाम किसका है, पहले नाम की चर्चा करेंगे। ये पहला नाम है जो सांसद हैं और इनका नाम है भागीरथ चौधरी, ये अजमेर से सांसद हैं और इनको विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो भागीरथ चौधरी ये पहला नाम है, इनकी कयास लगाए जा रहे हैं, इनको अजमेर की किसी भी विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ा सकती है। अब अगले नाम की बात करेंगे, अगला नाम किस सांसद का है और उनको कहां से लड़ाया जाएगा, तो अगले नाम की बात कर लेते हैं। अगला नाम जो है वो है किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से, और इनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है, यानी राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वो विधायकी का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब तीसरे सांसद की बात करेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम किसका है, देखते हैं किनकी तैयारी है। अगला जो नाम है वो बहुत खास है, इस चेहरे को आप देखिए, ये चेहरा हो सकता है आप ना जानते हो लेकिन इस बार आप इस चेहरे को समझ लीजिए। क्यों समझ लीजिए, हम पूरी कहानी बताते हैं। इनका नाम है दिया कुमारी और ये राजसमंद से सांसद हैं। दिया कुमारी को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। और दिया कुमारी के बारे में एक चर्चा और है, वो भी आप जान लीजिए जब इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। दिया कुमारी राजघराने से आती हैं, यानी महारानी के परिवार से आती हैं, महाराजाओं के परिवार से आती हैं दिया कुमारी, और राजसमंद से सांसद हैं। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में किनारे करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया कुमारी को आगे बढ़ाया है, यानी दिया कुमारी को सीएम फेस के तौर पर भी देखा जा रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सवाल उठने लगे हैं, क्या दिया कुमारी वसुंधरा राजे को टक्कर देंगी, क्या वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसी चर्चाएं भी चलने लगी हैं। क्योंकि जब राजसमंद से जो सांसद हैं दिया कुमारी, उनसे जब मीडिया के साथियों ने सवाल किया था तब उन्होंने कहा था पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हूं। तो क्या वाकई में ये सवाल जो उठ रहे हैं उन सवालों में कितना दम है, आप इससे समझ सकते हैं कि दिया कुमारी जो सांसद हैं राजस्थान से और वसुंधरा को साइड करने की जो चर्चा चल रही है राजस्थान में, हालांकि चर्चा जरूर है लेकिन वसुंधरा राजे को साइड फेस करके चुनाव जीतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो दिया कुमारी फेमस चेहरा है और काफ़ी सुर्खियों में है इस वक्त राजस्थान की राजनीति में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों को लेकर। खैर, अगले सांसद की बात करेंगे जिनको बीजेपी अपना विधानसभा में राजस्थान में उम्मीदवार बना सकती है। तो अगले सांसद कौन है उनकी भी बात हमने की और हमने आपको बताया किस तरीके से एक के बाद एक जो सांसद हैं वो विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में जो पिछली 2018 का जो चुनाव था उसमें किसको कितना वोट प्रतिशत मिला था। ये 2018 राजस्थान चुनाव का वोट प्रतिशत है, अगर वोट प्रतिशत की बात करूं मैं यहां पर, तो आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस जो इस वक्त सत्ता में है उनको 39.3 यानी 39.3 फीसदी वोट मिला था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसको 38.8 फीसदी वोट मिला था, और तो वहीं बसपा बहुजन समाज पार्टी इनको 4% वोट मिला था राजस्थान के 2018 के चुनाव में। RLP 2.4 और अन्य के खाते में 14.2, नोटा के खाते में 1.3% गया था। अगर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का वोट फीसदी में आप अंतर समझेंगे 2018 के चुनाव का, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो 39.3 कांग्रेस का, 38.8 बीजेपी के था, यानी वोट प्रतिशत की बात करें तो 0.6% का अंतर था महज, ज़्यादा नहीं होता है 0.6% का अंतर, लेकिन सत्ता में जो थी भारतीय जनता पार्टी वो दोबारा नहीं आ पाई थी, परंपरा कायम रही थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 73 सीट्स मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 99 मिली थी और बाकायदा उसने जो है सत्ता पर काबिज हुई थी और सत्ता में सरकार बनाई थी।
अब हम बात करेंगे कि ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये नया प्रयोग क्यों कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सांसदों को क्यों मैदान में उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय मंत्रियों को जिनकी साख बहुत ऊंची है उनको विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा रही है, क्या वजह है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश राजस्थान बीजेपी वहां पर हार रही है या फिर कोई और वजह है, बीजेपी फिर नया प्रयोग करने वाली है, इसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि सवाल उठना लाजमी है जब आप केंद्रीय मंत्री को आप जब विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे तो शायद वजह यही होगी कि सवाल तो उठेंगे, लोग पूछेंगे केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं, शायद आप का संगठन वहां पर कमजोर है या फिर आप एक नया मैसेज देना चाह रहे हैं या फिर आप एक नया प्रयोग करना चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी ने कहां कहां प्रयोग किया, बात करेंगे 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जहां पर बीजेपी ने पहला प्रयोग किया था, 5 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था, ये केंद्रीय मंत्री थे और सांसद थे जिनको पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थी उसने अपना उम्मीदवार बनाया था, बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वप्नदास गुप्ता, इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तीनों हार गए, बाबुल सुप्रियो एक बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी हार गए, लॉकेट चटर्जी काफ़ी तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो भी चुनाव हार गए विधानसभा का, और स्वप्नदास गुप्ता ये भी हार गए, ये 3 सांसद थे, 2 सांसद और थे हालांकि उनको जीत मिली थी, उनकी भी बात कर लेते हैं जो जीते थे दोनों पश्चिम बंगाल 2021 के विधानसभा के चुनाव में, जीत किन की हुई थी वो आप देख लीजिए, निशित प्रमाणिक ये जीत गए थे और जगन्नाथ सरकार ये भी चुनाव जीत गए थे, यानी 5 सांसदों को टिकट दिया था जिनमें निशित प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार ये 2 लोग महज चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, 3 इनके मौजूदा सांसद विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में हार गए थे, यानी मिशन कामयाब रहा लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहा, 40% तक सफलता मिली थी, पहला प्रयोग था। अब अगले प्रयोग की बात करते हैं, अगला प्रयोग इन्होंने कहां पर किया था, अगला प्रयोग कहां किया था वो भी आप देख लीजिए, किस राज्य में इन्होंने, केरल में इन्होंने नया प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों को लड़ा दिया केरल में, ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरी तरीके से धराशायी हो गया, फेल हो गया, राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी चुनाव लड़ाया विधानसभा का बीजेपी ने और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद थे केजे अल्फेंस ये भी, इनको भी चुनाव लड़ाया, 2-2 सांसदों को केरल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का विधायकी का चुनाव लड़ाया और दोनों सांसद हार गए, यानी केरल में पूरी तरीके से बीजेपी का ये मिशन फेल हो गया था, दोनों सांसद बुरी तरीके से हारे थे। अब तो इनके बाद अब बात कर लेते हैं अगला राज्य कहाँ था, क्योंकि बीजेपी ने कोई एक जगह प्रयोग नहीं किया या ना यह राजस्थान मध्य प्रदेश में पहली बार प्रयोग करने जा रही है, इसके बाद कहाँ बीजेपी ने प्रयोग किया वो भी आप देख लिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा से लेकर विधानसभा के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से ये सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने इनको करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ाया लेकिन ये बुरी तरीके से हार गए थे, इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी आप ऐसे समझिए, केंद्रीय मंत्री थे और आगरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। तो यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी का मिशन और प्रयोग पूरी तरीके से फेल रहा था केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का। अब अगला राज्य कौन है जहां पर बीजेपी को फायदा मिला था, फायदा कहां मिला था वो आप समझिए, त्रिपुरा में इनको फायदा मिला था जब इन्होंने इसका प्रयोग किया था, प्रतिमा भौमिक नाम इनका है और ये केंद्रीय मंत्री थी, इनको त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री जो प्रतिभा भौमिक थी इनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, हालांकि प्रतिमा भौमिक ने 68,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, यानी त्रिपुरा में बीजेपी का जो मिशन था केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का वो पूरी तरीके से सफल हुआ था और प्रतिमा भौमिक बाकायदा विधानसभा चुनकर पहुंची थी, विधायक बनी थी बीजेपी की टिकट पर, केंद्रीय मंत्री थी। तो कुल मिलाकर लगातार एक के बाद बीजेपी ऐसे प्रयोग कर रही है, एक के बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल में पहले 5 सांसदों को लड़ाया, 2 को जीत मिली, 3 हार गए, फिर हमने देखा किस तरीके से केरल में 2 सांसदों को लड़ाया, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल थे वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों जो सांसद थे वो चुनाव हार गए, यूपी में हमने देखा जो एसपी बघेल हैं वो भी चुनाव हार गए, बीजेपी का जो मिशन था वो पूरी तरीके से फेल रहा। फायदा कहाँ मिला, फायदा केवल त्रिपुरा में मिला, प्रतिभा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री थी वो विधानसभा का चुनाव जीती और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने पाई थी विधायकी के रूप में। तो कुल मिलाकर वैसे में सवाल उठने लगा है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, त्रिपुरा,
चार चार राज्यों में पहले प्रयोग कर चुकी है, लेकिन सफलता ज्यादा नहीं मिली है। फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग करना क्यों चाह रही है? क्यों मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया? क्यों राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है? तो कुल मिलाकर इन सवालों के जवाब आप ऐसे समझिए, क्यों लड़ाने की तैयारी, इसके पीछे की भी आप वजह जान लीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि बीजेपी राज्यों को फतेह कैसे करती है। बीजेपी राज्य का जो विधानसभा का चुनाव होता है उसको चुनाव किस कैटेगरी में लड़ती है और क्या रणनीति होती है, वो हम आपको मैप के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी रणनीति होती है। बीजेपी का राज्यों को फतेह करने का प्लान क्या होता है, ये चार कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो राज्यों को बांटता है, ए बी सी डी। ए में क्या होता है, वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं हारी है, यानी बीजेपी का जो गढ़ रहा है वो ए कैटेगरी में रखते हैं, और बी कैटेगरी में वो सीटें जहां बीजेपी उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जाती है। सी और डी क्या होता है, सी और डी में वो होता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर विरोधी दल हावी होते हैं, यानी विरोधी दल भारी होते हैं, इनका वर्चस्व कम रहता है। तो ए पे ए तो इनका गढ़ हो गया, बी तो इनका वह हो गया जहां इनकी जीत लगभग तय है, और सी और डी हो गया जहां पर बीजेपी पर विरोधी दल पूरी तरीके से भारी हैं। तो कुल मिलाकर सी और डी पर ही केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री या फिर सांसदों को सी और डी कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी रखने जा रही है, क्योंकि ए तो इनका गढ़ हो गया, बी वो हो गया जहां ये जीत लगभग तय है, सी डी में ये जीत नहीं सकते, इसलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग कर रही है और इनको केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को यहां पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सी और डी पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, विरोधी दल भारी है, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों को सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की और क्यों उम्मीदवार बनाया और क्यों मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी। वजह यह है क्योंकि सी और डी जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए लड़ा रही है कि जब वो किसी जिले की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका वर्चस्व जो है या फिर उनकी जो लोकप्रियता है वो एक तरीके से ज़्यादा चीज़ों पर होगी, ज़्यादा क्षेत्र में होगी। जाहिर सी बात है किसी भी जिले में आप जाइए, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात ना करूं, किसी दूसरे स्टेट की बात करूं, तो वहां पर हर जिले में लगभग 4 से 5 विधानसभा की सीटें होती हैं। मान लो केंद्रीय मंत्रियों को सी और डी कैटेगरी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां पर उनको लड़ा दिया, तो जाहिर सी बात है वो अपनी सीट तो जीतेंगे, साथ ही राज्य की जो मौजूदा जिले की जो मौजूदा विधानसभा की सीटें हैं उनको, उन पर भी उनका लोकप्रियता का असर होगा, और शायद यही वजह, उस लोकप्रियता की वजह से बाकी पार्टी के जो सदस्य हैं दूसरी विधानसभा सीटों पर वो भी चुनाव जीत जाएं। तो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सी डी कैटेगरी में चुनाव लड़ाने की तैयारी है, और शायद यही वजह है भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता के सहारे जहां पर जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है वो अपनी सीट जीते लोकप्रियता का कारण, और उनकी लोकप्रियता का असर पूरे जिले की विधानसभा सीटों पर देखने को मिले। हालांकि इसकी मध्य प्रदेश से शुरुआत हो गई है, मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं उनको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब देखना ये होगा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए जो लिस्टें आएंगी, हालांकि छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट आ चुकी है, राजस्थान के लिए अभी नहीं आई है, और राजस्थान की पहली लिस्ट में क्या वाकई में केंद्रीय मंत्रियों को जगह मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये होगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो लिस्ट भी आ चुकी है, क्या ये मंत्री चुनाव जीत पाते हैं, और जीत पाते हैं तो इनका जिले की बाकी विधानसभा सीटों पर कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना बीजेपी का पहला प्रयोग है। हालांकि वो पहले सांसदों को लड़ा चुके हैं लेकिन वो प्रयोग उनका ज़्यादा हद तक सफल नहीं हुआ था। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।